हेलो फ्रेंड्स, पाल माई नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस फॉर अपकमिंग वीडियो। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की क्लास 10th यानी कि 10वीं के हिंदी काव्य खंड के पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कैसे आप इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये एग्जाम में आते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। सो यहाँ पर जीवन परिचय लिखने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना होता है। सो क्या लिखना है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालिए। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा और ये इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले लिखना है। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा और पवित्र प्रणय के कवि हैं। आपकी रचनाओं में छायावाद का सूक्ष्म सौंदर्य एवं आदर्शवाद का मानवीय दृष्टिकोण एक साथ घुल मिल गया है। आपके बारे में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का कथन है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी मननशील विद्वान परिश्रमी लोक साहित्य के धनी थे। आपने अपनी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, मानव सेवा, पवित्र प्रेम का नवीन आदर्श उत्पन्न किया। इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में आपको एक हेडिंग डालनी है, जीवन परिचय। ब्लैक बॉल पेन से भी आप लिख सकते हो। अगर आप बाकी के सब्जेक्ट को आप ब्लू पेन से लिख रहे हो तो इसको आप बोल्ड में भी लिख सकते हो, ब्लैक पेन से। सो सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण करने वाले पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जिला जौनपुर के अंतर्गत केरीपुर नामक ग्राम में सन 1889 में एक कृषक परिवार में हुआ था। आपके पिता पंडित राम दत्त त्रिपाठी एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। सो सबसे पहले क्या लिखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस स्थान पर हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था, किस परिवार में हुआ था। जैसे इनका जन्म कृषक परिवार में हुआ था तो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा शब्द इन्होंने लिखा है, सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण करने वाले। तो ये एक इनके ये जो सेंटेंसेस को काफ़ी ये जोड़कर ही इस सेंटेंस को एक सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है इस सेंटेंस को। सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण करने वाले राम नरेश त्रिपाठी का जन्म। सो आप देख रहे हैं इसमें कितना एडजेक्टिव, कितना विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। सो इसी तरह का साहित्यिक शब्द आप भी यूज कर सकते हैं और अपने लेखन को सौंदर्य बना सकते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं, आपके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी, तो इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामदत्त त्रिपाठी जो एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। यानी कि अगर ये ब्राह्मण हैं थे तो ये भी ब्राह्मण ही होंगे, राम नरेश त्रिपाठी। सो आप ये भी लिख सकते हो कि सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण करने वाले पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जिला जौनपुर के अंतर्गत केरीपुर नामक ग्राम में हुआ था और इनका जन्म सन इतने में एक कृषक परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, कृषक और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके आगे, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने मात्र कक्षा 9 तक ही शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में स्वाध्याय द्वारा हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य कई भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की, यानी कि कई और भाषा भी जानते थे वो। अपने साहित्य सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला एवं गुजराती भाषाओं पर भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। हिंदी प्रचार के उद्देश्य से आपने हिंदी मंदिर की स्थापना की। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के मंत्री भी रहे। आपने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का सराहनीय कार्य कर हिंदी की अपूर्व सेवा की। देशी रियासतों के अनेक राजा आपके मित्र थे जिनके सहयोग से आप अपनी यात्राओं का आयोजन करते थे। आपने लगभग 20 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हजारों ग्राम गीतों का संकलन किया और अपनी कृतियों का प्रकाशन भी स्वयं ही कराया। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, मानव सेवा, त्याग जैसे विषयों पर आपने अनेक कविताएं लिखी हैं जो अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। सन 1962 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। सो ये एक पॉइंट है, ये तो आपको याद करने ही होंगे हर हालत में करने होंगे। इनका जन्म कब हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये आपको हर हालत में करने ही याद। इसके आगे देखते हैं कि साहित्यिक परिचय क्या है। तो त्रिपाठी जी एक समर्थ कवि थे, संपादक एवं कुशल पत्रकार थे। इनके निबंध भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं।
इस प्रकार कवि, निबंधकार, संपादक आदि के रूप में त्रिपाठी जी सदैव याद किए जाएंगे अपनी साहित्यिक सेवाओं द्वारा। हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में त्रिपाठी जी प्रशंसा के पात्र हैं। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत आपकी रचनाएं अत्यंत प्रेरणाप्रद हैं। सो ये था इनका जीवन परिचय विद साहित्यिक परिचय। सो होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे साहित्यिक शब्दों का, बहुत अच्छे अच्छे विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है, तो आप भी कर सकते हो, इनको आप याद रख सकते हो। जैसे स्वाध्याय हुआ, सराहनीय, सम्मेलन, संकलन, तो ये जो शब्द हैं ये साहित्यिक शब्द होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं अगर आप भी इन शब्दों का प्रयोग आप करते हो अपने निबंध में। सो ये था वीडियो पंडित राम नरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।